आज सुबह 11:30 बजे श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों के नेता मंच पर आएंगे नजर। रैली में जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, एसपी और एनसीपी नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज सुबह 10 बजे श्रीनगर में जेकेपीसीसी कार्यालय में तिरंगा फहराएंगे। कल राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का विजन नफरत और अहंकार से भरा, गृहमंत्री लाल चौक तक क्यों नहीं करते यात्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर कैसे शांतिपूर्वक तिरंगा फहराया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त कर दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान कश्मीर में आतंकवाद और भय था। मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, 370 समाप्त हुई। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में अपने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा, सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने में कई जगह हम कमजोर हैं, मेरे पास सभी का रिपोर्ट कार्ड है। आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 12 बजे संसद भवन में होगी। आज एनडीए की भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में एनडीए के सभी घटक दल के नेता और प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। ये बैठक 3 बजे होगी। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट रणनीति पर होगी चर्चा। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूदा वर्ष की आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी। 1 फरवरी को लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद बजट को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उज्जैन में श्री स्वामी नारायण आश्रम के संत स्वामी आनंद जीवनदास महाराज ने मंदिर की जगह आंखों के अस्पताल का निर्माण करवाया है। आज गृहमंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हमला करने वाले एएसआई गोपाल दास को किया अरेस्ट। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की हत्या मामले में राज्य सरकार ने जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को दे दी है। 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की में साइबर, बैलिस्टिक और क्राइम ब्रांच के अधिकारी शामिल हैं। हमले को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, घटना के बाद वो स्तब्ध हैं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास को राजकीय सम्मान। ओडिशा सरकार ने कहा है पूरे राज्य में 29 जनवरी से 31 जनवरी तक 3 दिनों तक कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक खंड की 5 सीटों पर मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शिक्षक और स्नातक खंड के चुनाव में 63 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। 2 फरवरी को बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर में मतगणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश की अखंडता में जो भी खिलवाड़ करेगा कांग्रेस पार्टी उसे सहन नहीं करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, देश में बढ़ रही नफरत को कम करने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में हिंदू जन आक्रोश मार्च। जन आक्रोश मार्च में हजारों लोग एकत्रित हुए, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग। धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू करने की मांग। शिवाजी पार्क से कामगार स्टेडियम तक हुआ जन आक्रोश मार्च। मार्च में आरएसएस, बीजेपी, कई हिंदू संगठन शामिल हुए। घाटी में टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत पर एनआईए का बड़ा एक्शन। श्रीनगर के राजबाग इलाके में ऑफिस को किया सील। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की मुश्किलें बढ़ी। यूएपीए मामले में 2017 में नईम खान को किया गया था गिरफ्तार। गोरखपुर में कारगर मंत्री सुरेश राही का हुआ एक्सीडेंट। ट्रैक्टर ट्रॉली ने मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारी।
दुर्घटना में बाल बाल बचे मंत्री। एसओ शहजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बिठाया, ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गुजरात पेपर लीक पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, ट्वीट कर कहा गुजरात में लगातार पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी ने लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा, पेपर लीक मामले में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। आरजेडी के 92वें सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा आप अच्छे काम कीजिए, मैं चीनी से भी मीठे शब्द बोलूंगा। किसानों के संबोधन के दौरान सुधाकर सिंह ने कहा मेरे शब्दों से बचना है तो मुख्यमंत्री किसानों के हक में ले फैसला, प्यार पाना है तो अच्छे काम करने होंगे। नीतीश कुमार पर टिप्पणियां करने के बाद आरजेडी ने सुधाकर सिंह को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। शराबबंदी कानून को लेकर जीतन राम मांझी ने अपने बयान से यू टर्न लिया, 2 दिन पहले ही मांझी ने शराबबंदी कानून को हटाने की मांग की थी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने मांझी ने की थी मांग, कहा था कि विदेशी पर्यटक बिहार में सिर्फ इसलिए नहीं रुकते क्योंकि यहां शराबबंदी कानून लागू है। खाने पीने का उचित प्रबंध अगर नहीं होगा तो आदमी विदेश क्यों आएगा, इसलिए खाने पीने का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। हम ये कहा था हम शराब के बारे में। त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी समेत 40 दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारक की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी, हिमंत बिस्व शर्मा शामिल हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए आने वाली शिलाओं को स्पर्श करने के लिए नेपाल में जन सैलाब उमड़ रहा है। आज शालिग्राम शिलाएं भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगी, ये पवित्र शिलाएं बिहार के मधुबनी जिले से देश में प्रवेश करेंगी। आज पवित्र शिलाएं बिहार के मधुबनी से साहरघाट प्रखंड तक पहुंचेगी, वहां से कंपोल स्टेशन होते हुए दरभंगा के माधवी से मुजफ्फरपुर आएंगी, मुजफ्फरपुर से त्रिपुरा कोठी गोपालगंज होते हुए सासामूसा बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत के नाम रहा, भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 99 रन बनाए। इस मैच को देखने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी स्टेडियम में मौजूद रहे। मैच में भारत की जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर पर आई, सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 26 रन बनाए। भारत ने पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, युवा ब्रिगेड ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। भारतीय महिला टीम पहली बार आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है, साउथ अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में शेफाली वर्मा की कप्तानी में टीम ने उम्दा प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कट्टरपंथियों के साथ समझौता कर लिया है, अखिलेश यादव इस्लामी कट्टरपंथियों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मुंबई पहुंचे, राजभर ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही अब बात बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का समापन इसके साथ हो गया है। इस खास मौके पर तीनों सेनाओं के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने 29 क्लासिकल धुनें बजाई। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में अगले 12 घंटे के दौरान दिल्ली के में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, बारिश की वजह से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है।
लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान से टकराया पक्षी, क्रैश होने से बाल बाल बचा विमान, पायलट ने सकुशल लैंड कराया विमान। पायलट की सूझबूझ से बची 180 यात्रियों की जान, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। गुजरात पेपर लीक कांड में 16 लोगों की गिरफ्तारी, पेपर लीक की जांच में जुटी एटीएस, पेपर लीक के विरोध में कई जगहों पर हुआ प्रदर्शन। जूनियर क्लर्क की परीक्षा में 9 लाख परीक्षार्थी बैठने वाले थे, पेपर लीक के बाद गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। लखनऊ में स्कूल कॉलेज के बाहर बेखौफ होकर घूम रहे हैं शौहदे, कॉलेज जा रही छात्रा का शौहदों ने सरेराह पकड़ा हाथ। विरोध पर छात्रा को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में एसिड अटैक की सनसनीखेज वारदात, बाइक सवार 2 दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटे पर डाला तेजाब, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार, गंभीर अवस्था में मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। जयपुर के मशहूर क्लब में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, एक धमाका भरा लेटर भी छोड़कर भागे बदमाश, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने ली जिम्मेदारी, ऋतिक ने पुलिस को दी खुली चुनौती, लिखा सबका नंबर आएगा। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे जा रही बच्ची को रौंदा, हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत। घटना का लाइव वीडियो सामने आया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की, घटना को लेकर परिजनों में रोष। गोंडा में अज्ञात बदमाशों ने की शिक्षक के घर में घुसकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने बच्चे के अपहरण के मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने बच्चे को 1 लाख से ज्यादा में बेच दिया था, पुलिस ने बच्चे को सकुशल उसके माता पिता को सौंपा। मथुरा पुलिस ने 2018 से फरार हत्यारोपी को गिरफ्तार किया, 2012 में 2 सगे भाइयों की हत्या में ये मुख्य आरोपी था। अरवल के एसपी मोहम्मद कासिम के अफसर शाही का एक वीडियो सामने आया है, वीडियो में जूनियर से अपने जूते का फीता बंधवाते दिख रहे हैं एसपी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नीलामी का हैरान करने वाला मामला सामने आया, पैसे की बोली लगाकर सरपंच, उप सरपंच और सदस्य पद को बेचा गया। सरपंच पद को 14.5 लाख रुपए, उप सरपंच पद को 4 लाख रुपए में बेचा गया, इसके अलावा सदस्य पद के लिए 70,000 से 2 लाख रुपए तक की बोली लगाई गई। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दवाइयों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। ट्रक चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों की दवाइयां जलकर खाक। ट्रक में आग लगने से 4 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे की तरफ लेन पर जाम लगा रहा, पुलिस ने घंटों बाद जाम खुलवाया। एयू बनो चैंपियन राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जयपुर में शुरू हुआ, 29 जनवरी से 31 जनवरी तक एसएमएस स्टेडियम में खेला जाएगा टूर्नामेंट। राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडल विजेता पहलवान गीता फोगाट ने कहा खिलाड़ी को कभी भी प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नीतीश सरकार को लंगड़ी सरकार बताया, चौधरी ने कहा बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही ढंग से विकास होगा। इंदौर कोर्ट में जासूसी के आरोप में एक महिला को हिरासत में लिया गया, संदिग्ध महिला वकील के लिबास में कोर्ट रूम और प्रोसीडिंग के दस्तावेजों की वीडियो बना रही थी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जनता का पैसा डुबोने वाले एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन पर कार्रवाई हो। जौनपुर में युवकों ने पुलिस पिकेट के सामने एक युवक की जमकर पिटाई की, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम के बदले मिजाज, दिल्ली समेत कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर तेज बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज के लिए भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कमी दर्ज होगी। यूपी में भी बदल रहा मौसम का मिजाज, आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। 31 जनवरी से मौसम साफ रहने की उम्मीद। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुलिस की पिटाई का एक वीडियो देखकर दुख जाहिर कर जांच के आदेश दिए। पिटाई के बाद युवक की हुई थी मौत, आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त कर उन पर हत्या का मामला दर्ज। नासा ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया। नासा के मुताबिक स्पेस प्रोग्राम की आड़ में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चीन। पोप फ्रांसिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने समलैंगिकता को पाप बताया था। ईरान के सेंट्रल शहर इस्फहान में ड्रोन से हुआ धमाका, धमाके में एक सैन्य साइट को बनाया गया था निशाना। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्रोन से हुए हमले की जानकारी ईरान रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट के जरिए दी। कहा यह असफल हमला था, हमले में सिर्फ वर्कशॉप की छत को मामूली नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक पेट्रोल खत्म हुआ। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक आनन फानन में कई पेट्रोल पंप बंद किए गए। हालांकि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तेल की कमी को सिरे से खारिज किया है। कृति सेनन इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा को लेकर काफी बिजी चल रही हैं। फिल्म अगले महीने 10 फरवरी को रिलीज हो जाएगी। मुंबई में आयोजित एक अवार्ड फंक्शन में कार्तिक आर्यन ने की शिरकत। इस दौरान ब्लैक कलर की सूट में कार्तिक आर्यन दिखे बेहद हैंडसम। शिवसेना नेता कुणाल कर्णल की वेडिंग रिसेप्शन में एक्टर आयुष शर्मा पहुंचे। साथ में आयुष की पत्नी और सलमान की बहन अर्पिता खान शर्मा भी नजर आई। फिल्म निर्देशक जोया अख्तर के घर के बाहर स्पॉट हुई आलिया भट्ट। इस दौरान आलिया ने मीडिया को हाथ हिलाकर किया धन्यवाद।